हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मस्ती व्लॉग, आप लोग देखोगे अभी आगे जाके ये कैसे मस्तियाँ चली है यहाँ पे अभी। मैं देखती हूँ पापा को टॉर्चर कैसे करती है। नहीं, तो तू अच्छा, तू बोल रहा है कि एक ही सूट पहन के कितने सूट बढ़ाए हैं भाई? कितने सूट बढ़ाए भाई? सिर्फ 50। 636 साल का बड़ा तेरा सूट उस जगह कहीं दर्द हो रही है तो फिर खुल गए। कितने कीड़े हैं भाई। मैं आपको बता? नहीं। अगर मैं घर के नीचे अगर मैं घर के अंदर घुसता है ना, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते हैं। तो मतलब अंदर डालना पड़ेगा मेंढक उठा के थोड़ी ना आ गई। कौन आई? तेरी और हेलो हेलो गाइस। दीपू तेरे को चाची ढूंढ रहे थे पूजा करने के लिए। यहाँ चली है सफाई। तो अभी क्या लगी है सफाई करने की? शबाज छोटू जल्दी करो। ऐसी हो जाएगी आंखें? बोलती मूवी बनानी है, बोलो भूत की फिर से। नमस्ते। लगाया इन्होंने। अरे नहीं क्या एक टन झूठ बोला। झूठ बोल दिया वो। चल देखो तू इसको बता। बड़ी अच्छी है। क्या झूठ साबित करना? मैं कहता हूँ तू भी इसी ढंग से सुन। अच्छी है। नाक बंद करके नहीं आती नहीं तब। ठीक है। भाई रंगे। जल्दी। टॉर्चर कर रहे पापा भाई। क्यों लगी देखो अच्छी? देखो को तीन लगी ना? देखो पूछ यार। देखो अच्छी लगी? ये झूठ बोल रही है।
एक बात ही फ्रॉड हो गया भाई। थक गए ना, थक गए यार। बार आपने जो किया है ना, शायद उसकी बदबू आपकी अगर उसकी है तो बता दो तू यार, तू मेरी सबसे प्यारी तो बेटी है, नहीं है, नहीं है। अगर उसकी बदबू है तो इसमें से नहीं यार, नहीं तो इससे तो ठीक नहीं आ रहा भाई का, ऐसे नहीं होगी। नहीं होगी ये जो साल दूस है ना बड़ा, दवाई ले ले एनर्जी की, उससे उससे लग जाती है। आप भी कैसे करी पी गया बिना बताया। वैसे एक बात बताऊं ना, ना ना कि ना तो आप भी सुन लो बात, क्या बोलते मेरा नाक बंद है, मेरे को नहीं पता चलेगा। खुश हुआ कि नहीं, ऐसी बोली थी खुश हुआ। अभी अभी अंशु नींद में उठ के बाहर गई है डॉक्टर ढूंढने। हैं क्या बोल रही थी पता है साली, मेरे को डराया और सुन भी नहीं रही थी। पता है मेरी कितनी फट गई थी, कोई चुड़ैल आत्मा का साया तो नहीं। फिर बोल रही है मैं होश में ही थी, होश में हुई ऐसे। मेरा हाथ है, लाइट चमका रही हूँ। इसके बाद ना जा यू भाई पटकी नहीं मैंने तो। फिर मिल गया तेरे को डॉक्टर बाहर यार। नहीं कर ले अंशू, बनूंगी भाई सेट, थैंक्स। मेरे को ना सब उठाने आए सब, ठीक है। पहले पापा आए, अब उस टाइम तो पता नहीं कितने बज रहे होंगे, सात या सात बज रहे होने, छः बज रहे होने। पापा आए मेरे को उठाने, तो उस टाइम पे मेरे को मैंने टाइम नहीं देखा, ठीक है, मैंने टाइम देखा ही नहीं किसी भी उस पर। फिर पापा उठाने आए मेरे को, फिर मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गई। फिर पापा ने बोला सोना है बेटा, मैंने बोला हाँ जी सोना है, सोने की थोड़ी देर। फिर मैंने बोला कंबल भी निकाल देना मेरे, नहीं उसने नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में पापा और आए, मैंने बोला मैं कभी नहीं उठना पापा, थोड़ी देर में उठूंगी। फिर मैंने बोला कंबल भी दे देना मुझे, मैंने कंबल भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद आए मेरे पास मम्मी के उठ जा, फिर मैंने टाइम देखा, मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जब सब उठाने आ रहे। तो मैंने बोला मैं कब उठती थोड़ी देर में। फिर उसके बाद आया चाची, अभी थोड़ी लास्ट में चाची आया मेरे उठाने कि उठ जाओ डूडा खाना खा लेते हैं टाइम से। फिर ऐसा वैसा, फिर मैंने कहा अब तो शायद 10 बज गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है चाची उठी हूँ। फिर उसके बाद उठी मैं, फिर पापा के बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे को डांट पड़ जाएगी, अब तो मेरे को उठना ही पड़ेगा। फिर मैंने पापा की आवाज़ सुनी, पापा मतलब फ़ोन पर बात करते, फिर तो उठी गई, वरना दिमाग ही खराब हो जाता है पापा का। पहले पापा प्यार प्यार से करते हैं करते हैं, फिर पापा सुना देते, फिर एक घंटे का भाषण मेरे सुनने की हिम्मत नहीं। फिर मैं उठ गई, फिर उसके बाद मैंने टाइम देखा, सिर्फ और सिर्फ 8:30 हो रहे थे उस टाइम। और इन लोगों ने मुझे ऐसा परेशान किया, मैं अब ऐसा सोचूं कि एक दो घंटे मतलब मेरे को लगा 9-10 बज गए, 10-11 बज गए, 9-10 मैं मामूली लेके चलती जब मैं सोती हूँ तो। भाई मेरे को तो जाना है भाई, गाँव जाना है, वहाँ पर इतने सारे रूम्स रखे, मैं भी सो जाऊँगी, जब एक रूम से उठाएंगे चलते हुए चले जाऊँगी। ये मेरी बेइज्जती कर रहा है बाबा, ऐसा है ना, ज्यादा मत करो ठीक है। फोन कब ले रहे हो पापा? आपका गंजापन कितना दिख रहा है। हाँ जब आप खुलूंगी मैं, आप मेरे को दे दो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ी देर में मिलती हूँ तुम लोगों से, बाय। हाय गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ,
ना सिल्क जिसमें नट्स हो ना। बाय। तो हम लोग थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, क्रीम लगाएंगे, सबसे पहले तो थ्रेडिंग करवानी है। चिल्ली लगी। ऐसा लग रहा है आंखों में बुखार हो गया। ऑर्गेनिक की मैंने बहुत पहले ली थी क्रीम, बट मैंने यूज नहीं की, तो आज मैं सोच रही थी इसको यूज कर देते हैं। इसकी ना खुशबू खट्टी खट्टी सी अच्छी सी है, तो इसमें नींबू है। अजीब सी हो गई है ना स्किन, पता मुंह में भी नहीं छुआ जाता मुझसे। तो अगर क्रीम भी ना लगाऊं ना तो विद इन 1 आवर मेरी स्किन ऐसी हो जाती है कि ओह शिट कितना कुछ लगाया है, क्या ही इतना ऑयली, मतलब स्किन छूने का मन नहीं कर रहा। इधर की वजह से है कि एक्वालॉजी की सनस्क्रीन की वजह से, पता ही नहीं। नाउ आई फील गुड। सच में भी ऐसा है अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी आंखों से फैले ना एटलीस्ट 4 आवर्स। अजीब मैं लगा ही सकती हूँ, वहाँ से लिया है वो आइस पीटी के वहाँ से लगा दिया। इसमें नहीं दिख रहा ठीक से, वैसे ठीक लग गया। गिफ्टेड बाय कशिश, थैंक यू मेरी बहन। इससे ज्यादा तो भी सुंदर कंघी ली थी, इससे नहीं होती कंघी नहीं ठीक से। यहाँ से ना हमेशा शेप दूसरी होनी चाहिए, ढंग से कंघी नहीं करती आ रही है, सीधी है ना क्योंकि है। वैसे तो मैं हर दिन ही बाल बोल रही थी, लास्ट थर्सडे भी आ गया, छुट्टियाँ खत्म होने वाली है, पर मैं अपने बर्थडे के दिन नहीं आ सकती। अब मैंने सोचा मेरा बर्थडे मैं शिमला में बनाऊँगी एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर, बट मैं शिमला नहीं जा रही, यहीं पर बनाऊँगी अपना बर्थडे। मेरे ऊपर पूजा है थोड़ी सी, ऐसे तिलक लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आ गई है ये परी, दिखा क्या पहना है तुम्हें, दिखा जरा सबको, दिखा बता क्या पहना है। लहंगा क्यों पहना है, लहंगा किसकी शादी में जा रही है। इंजेक्शन लग रहा था जब मस्त लगा दे तुम्हें। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी मैं और दीबू एक नया व्लॉग बनाएंगे, तो हम मतलब हम तीनों मैं दिबू अंशु एक गेम भी खेल सकते हैं, गेम चैलेंज वाला व्लॉग हो सकता है ना, तो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।